और मैं करूंगा उन्हें पूरा ये मुझे विश्वास है आसान है आसान है और मैथ आसान है आ जाओ सभी छात्र जल्दी से आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताओ आज एक नया डिवाइस से आपकी क्लास चल रही है तो आज कैसे दिख रहा है मतलब सही दिख रहा है या पीछे ब्लर वाला तो नहीं हो रहा है ना जूम तो नहीं हो रहा है कि ऐसे ऐसे जूम कर कर करके और गड़बड़ हो रहा है हां चलो कमेंट करके बताओ सभी बच्चे अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो बता देना मैं थोड़ा चेंजिंग कर दूंगा देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आ, बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई बेसिक अलजेब्रा पहले सभी बच्चे ये कमेंट करके बताओ कि अच्छा दिख रहा है ना बोलो यस अच्छा दिख रहा है शुभम हनुमान प्रसाद राहुल श्रीवास्तव अच्छा दिख रहा है सब ठीक है बोलो हाँ सही दिख रहा है ना आपको कैसा दिख रहा है सही दिख रहा है साफ दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है देखो आ, बेसिकल जेब्राह में हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया बच्चा आज हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे आज कुछ एकदम बेसिक पढ़ने वाले हैं मतलब बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होगा मुझे उम्मीद है कि आज कल से ज्यादा बेहतर दिखेगा क्योंकि आज का जो फोन है ना वो फाइव जी है आप कहोगे अभी तो फाइव जी आया नहीं है इंडिया में भाई मोबाइल आने लगे हैं फाइव जी सपोर्टेड और बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है मुझे भी लग रहा है कि हर दिन से ज़्यादा मस्त दिख रहा है अभी बाद में बताऊंगा इसका रीज़न क्या है पहले पढ़ाई करते हैं देखिए कल हम लोगों ने आपको हम लोगों ने नहीं थोड़ा अलग टाइप बोलना चाहिए कल हमने आपको क्या पढ़ाया था अलजेब्रा में चर और अचर पद सिखाया था और आज हम क्या पढ़ेंगे पता है उसी में थोड़ा और स्टेप आगे पढ़ेंगे उसी में थोड़ा और स्टेप आगे पढ़ेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना क्लास को बहुत ही प्यार से देखना देखो क्या पढ़ेंगे आगे समझो हम आज ये पढ़ेंगे कि कितने पद दिए गए हैं जैसे अगर यहां पर देखो मैंने लिखा तीन यक्ष, तो ये क्या है एक पद है अगर मैंने लिखा तीन यक्ष, पांच, तो ये भी क्या है एक पद है क्योंकि बराबर यह पंद्रह आ जाता है अगर मैंने लिखा यक्ष प्लस सात तो यह दो पद है कितने पद है बच्चा ये ये दो पद है अगर मैंने लिखा यक्ष धन तीन धन पांच तो ये दो पद है लेकिन ये कैसे जानते हैं पूरी कहानी क्या है इसकी पद वद वाली एक पद है कि दो पद है कि तीन पद है हाँ ये चीज आप लोग बताओगे वाईफाई से ही तो चल रहा है ना ये लाइव इसमें तब तो बेहतर दिख रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा दिख रहा है, है ना सभी का सुनेंगे कमेंट सबका पढ़ेंगे बच्चा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बाबू ठीक है कमेंट सबका पढ़ेंगे हम लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसलिए थोड़ा सा आप लोग टाइम दो पितेंद्र उसमें अपना फ़ोन से नेट कनेक्ट करा लो वाईफाई छोड़ के उसमें नेट है ना करा लो नहीं धीमा चलेगा कई डिवाइस कनेक्ट है चलो ठीक है देखो ये हो गया समझो अब मतलब समझो आगे कहानी क्या है इसको कैसे समझते हैं देखिए मैं बताता हूँ पूरा इसका एकदम स्टार्टिंग से कैसे है क्या है आप लोग समझने की कोशिश करो पहले ये बताओ वीडियो बफरिंग तो नहीं कर रहा है ना सही दिख रहा है बोलो हाँ यस सही दिख रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना ऐटोमेटिक होगा क्वालिटी देखो कितना है धुंधला है अच्छा है ना चलो ऑटोमेटिक पे करोगे तो हो सकता है इंटरनेट धीमा होगा तो बलर दिखेगा समझने की कोशिश करते हैं देखो आ, हमने आपको कल क्या पढ़ाया है चर और अचर यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपने कल पढ़ा है तो बच्चा जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट का हम हिसाब करते हैं ना तब इसमें हमें समझ में आता है यार मैं कंफ्यूज इस बात से हूं कि सही दिख रहा है कि नहीं सबसे पहले सभी बच्चे बोलो यस अगर एकदम मस्त दिख रहा है सभी यस यस कमेंट करो अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो रही बफरिंग हो रहा है या ब्लर दिख रहा है तो बोलो नो जल्दी से सभी बच्चे अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट करें क्योंकि हमारी तरफ से कुछ मुझे दिक्कत लग रही खुद के अनुभव के आधार पर बाकी ठीक है चलो जल्दी करो सभी यस या नो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि चर और अचर इनकी क्या कहानी है तो जैसे मैंने अगर लिखा तीन यक्ष और धन सात तो ये एक पद हो गया और ये कितना हो गया एक पद हो गया इस तरह से आपके ये दो पद हो गए कितने पद हो गए बच्चा दो पद हो गए कितने हो गए बाबू दो पद हो गए लेकिन इसी तरह से हमें क्या करना है और भी चीजें आगे सीखनी है यानी कि सब कुछ मस्त दिख रहा है केवल हमारा ही मोबाइल खत्म हो चुका है एकदम गड़बड़ है इस वजह से गड़बड़ रहा है ठीक है कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है आपका दिल से धन्यवाद ये कितने पद हैं दो पद हैं मैं सवाल पूछूंगा अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न तो पूछूंगा कितने पद हैं आप लोगों को बताना पड़ेगा ठीक है अच्छा ठीक है दूसरा देखो अगर मैंने लिखा तीन यक्स गुड़ा सात इसमें कितना पद है बच्चा जरा कोशिश करके बताओ तो ह कितने पद हैं यहाँ पर बताओ जल्दी करो कितने पद हैं यहां पर देखो यहां पे आप, आप लोगों को समझना है कैसे समझोगे यहाँ पे देखो कोई बता रहा है एक पद बता रहा भाई कौन है प्रीतम यादव और एके रोहित महेंद्र एक पद है कि दो पद है सुमन राजपासी आप कमेंट देख रहे हो आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा केवल देख ही जा रहे हो क्या बैठ के क्या नहीं आ रहा है एक बार उसको क्रॉस करके फिर से क्लिक करो चैट पे तब आएगा चलेगा जब ना चले तो हाँ अब देखो चलेगा जब ना चले तो कर लिया करो आया अब देखिए समझिए क्या करोगे इसको गुड़ा कर लोगे बच्चा तो इक्कीस हो जाएगा यक ये एक ही पद है देखो यहां पे वही चीज था जैसे इसके नीचे मैं फिर से लिख देता हूं सी वाले में वही ए वाले को लाके ये तीन एक्स प्लस सात है तो ये दो पद है बच्चा कितने पद है दो पद है चूंकि ना तो ये जुड़ेंगे ना घटेंगे ये दो पद है लेकिन अगर गुड़ा का चिन्ह लगा है तो ये फाइनल में एक नया पद बन जाता है फाइनल में क्या कहोगे एक ही पद है पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में जहां तक मुझे पता है पद को बच्चा बोलते हैं टर्म्स ठीक है टर्म्स बोलते हैं ये पद मतलब वो पद प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि आप ऊंचे पद पे पहुंच गए हो वो अलग चीज है ये पद की कहानी अलग है ठीक है कपिल बच्चा देखो बात सुनने नहीं आए हैं, माफी चाहते हैं आपसे अपनी सारी बात सुना दो देखो ऊपर नंबर छपा है ना बड़ा बड़ा दिख रहा मोटा मोटा उस पर अपनी बात सुना दो अभी यहां पढ़ाई कर लो ठीक है यहां पे पढ़ाई कर लो अपनी बात नंबर पे सुना दो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये चीज आप समझ गए लेकिन यहां पर अभी पूरी कहानी आप नहीं समझो यहाँ पे गणित थोड़ी और बड़ी है यहाँ पर गणित अभी और बड़ी है समझो यहाँ पे इतना ही अभी आसान नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो से एकदम शुरू से तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं देखो जैसे अगर मैं यहां पर एक और लिखू भाई आप देख रहे हो ना अगर वीडियो क्लियर नहीं आएगा तो बता देना कम से कम तुम तो देखो ध्यान से सही आ रहा है अपने आपने पकड़ाया हो ना अच्छा इसमें डाटा है इसको क्वालिटी पहले तो सात सौ बीस पे कर लो अब देखो और नहीं सही दिखेगा देखना मतलब जागते रहो सोना नहीं भूला जाते हो मतलब ऐसा लगता है कुछ समझ में कहाँ चले गए अब देखो आगे एक और फोर एक्स प्लस सेवन इंटू नाइन और अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तीन अब बताओ आप लोग इसमें कितने पद हैं जरा सोच के बताओ कितने पद हैं इसमें बताइए जवाब दीजिए इसमें कितने पद हैं बताइए जवाब दीजिए कितने पद हैं इसमें चलिए देखो शाह सा, शाहनवाज सा ने बताया भाई बहुत अच्छे प्रीतम प्राची पांडे बहुत अच्छे वेरी गुड देखो बच्चे इसमें कितने पद हैं इसमें कितने पद हैं भाई इसमें बहुत ही आसान है दो पद हैं कितने पद हैं दो पद हैं देखो कैसे समझो भैया हो इनको पहले आप सिंप्लीफाई करोगे यानी अगर कोई मास्क लगाया है टोपा लगाया है हेलमेट लगाया है तो पहले उसे क्या करोगे अब नंगा करोगे बोल दो तो गड़बड़ बात हो गई लोग अलग मतलब निकाल लेंगे मतलब उसका चेहरा पहले खाली करोगे देखोगे तभी तो पहचानोगे कौन है ये मतलब मास्क हटाना पड़ेगा हेलमेट निकालना पड़ेगा तभी तो जानोगे फलाने हैं ये हाँ देखो कैसे वैसे ये बड़ा अरझा वर्झा है गूढ़ा का चिन्ह लगा है प्लफ लगा है ढेर सारा लफड़ा इसके आगे पीछे इसका गुड़ा करोगे नौ सत्या तिरसठ तिरसठ तीन कितना हो जाएगा छा छठ ये देखो एक चार और अचर को मिला के है और एक सिर्फ और सिर्फ क्या है कांस्टेंट है मतलब अचर है कुल दो पद हैं लेकिन अगर हम ऊपर देखते तो कितने ऊपर देखते तो एक दुई तीन चार पाँच कई पद लग रहे थे तो ये होती इसकी पूरी कहानी आज हमारे इस फोन में ही लग रहा है मुझे वीडियो नहीं चल रहा है कि कोई और मुसीबत है यार ये फोन भी बेचारा थक गया क्या करे ये भी सोचता होगा किसके हाथ पड़ गया हूँ चौबीस घंटा काम ही करवाता है हाँ? चलो ठीक है फिलहाल हमारे जितने सिस्टम है ना आपको सुन के बड़ा अचंबा लगेगा कि ये लोग थक जाते हैं काम नहीं कर पाते चाहे लैपटॉप हो मोबाइल हो लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं हम लोग हैं हम नहीं थकते हैं लगे रहते हैं मतलब टेक्नोलॉजी पीछे हो जाती है हम लोग आगे हो जाते हैं देखो ये आया समझ में इसको लिख लिया अब अगला देखो इधर साइड में एक और देखो आ, मैंने कुछ क्वेश्चंस वैसे लिखे हुए थे आ, वो मैं आपके लिए लाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है उसको मैंने बनाया था और जो मैंने बनाया था थोड़ा फुर्सत में बनाया था एक्चुअली आपको बता दें कि कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिलता यार मैं आ जाता हूँ बस जब क्लास का टाइम हो जाता फट से दौड़ के और सोच सोच के क्वेश्चन तुरंत बनाने पड़ते हैं इस वजह से थोड़ा सा कम अच्छा क्लास हो पाती है अगर यही टाइम अगर बच जाए और मैं बनाया रहूं कंटेंट आपके लिए तो बेहतरीन होगा इसमें कितने पद हैं देखो अगर हम ऐसे गिनती करेंगे तो एक दो तीन पद हैं लेकिन पदों की गिनती तभी होती है जब उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो क्या लगा हो प्लस या माइनस लगा हो अगर इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो आप बोलोगे इसमें एक पद है कितना है एक पद है बच्चा अगर तीन प्लस यक्स वाई है तो इसमें कितना पद है ये कहोगे दो पद है लेकिन अगर इसमें तीन प्लस यक्स माइनस वाई है तो कितना है इसमें तीन पद है जरूरी नहीं प्लस ही हो माइनस भी हो सकता है क्या हो सकता है यहाँ माइनस भी हो सकता है या सब प्लस हो सकता है लेकिन गुड़ा का चिन्ह रहेगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि गुड़ा का चिन्ह रहने के बाद क्या होता है ये सब एक में मिल जाते हैं गुड़ा का चिन्ह का मतलब ये समझ लो कि आप हो आपका भाई है आपकी बहन है आपके कौन है दादा के लड़के हैं मतलब कजिन लोग हैं तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये लोग फैमिली ही तो हुए ना एक ही फैमिली के तो है ना लेकिन अगर कजिन को तो मान लो अलग फैमिली हो जाएंगे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लेकिन हाँ आपके अगर सगे भाई बहन जितने भी हैं चाहे वो अठारह है मान लो कोई कोई छे बहन है आठ भाई हैं पंद्रह अठारह लोग हैं तब भी हैं तो एक परिवार ही ना एक गांव तो नहीं ना कि एक जिला बन जाएंगे वो है तो एक ही फैमिली से ना तो उसी तरह से इसमें भी होता है चाहे जितने पद हों अगर उनके बीच में गुड़ा का चिन्ह लगा है तो ये समझ लो वो सगे भाई बहन है वो एक परिवार नहीं है वो सॉरी वो एक गांव नहीं है एक ही परिवार है ऐसे हमारे गाँव में एक लोग हैं उनके बारह भाई और सात बहन है मतलब उन्नीस लोग हैं अगर वो चाहे तो एक गाँव बसा सकते हैं ग्राम सभा बन जाएगी उनकी बीस लोग घर में लाके ना लेकिन है तो एक ही फैमिली से तो उसी तरह से यहाँ क्या है देखो इसमें ढेर सारे पद हो सकते हैं जैसे एक दूसरा और देख लो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा वीडियो चल रहा है ना जैसे यहाँ पर लिखा मान लो नाइन एक्स स्क्वायर और यहां पे जेड और यहां पर लिख लो ए बी सी डी ई देखो इतना लंबा है लेकिन क्या इसमें एक से अधिक पद हैं बताओ क्या इसमें एक से अधिक पद हैं जरा सोच के बताओ देखो वही बात हुई जो मैंने अभी अभी बताया हाँ जो अभी अभी मैंने बताया वही बात हुई ना अजय जी आरा समझ में शुभम यादव ध्यान से देखिए पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं या केरला कर्नाटका या मुंबई कहीं से हैं जो दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं वो जान लें कि पद को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं हा? समझ गए ना और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक है को क्या बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे ये मैंने पूरा पूरा लिखा ना जैसे यहां पर देखो ये मैंने लिखा कि चार एक्स प्लस नौ इतना ही मान लो तो इसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो हाँ बीज गणित व्यंजक या फिर समीकरण दोनों एक ही मतलब परिवार से हैं थोड़ा बहुत अंतर होता दोनों में ये समझ में आया अच्छा ठीक है एक और समझो इसको मैं मिटा देता हूँ साइड में ये मेरी किताब उताब दिख तो नहीं रही यहाँ पे नहीं तो ये आप लोगों को दिख रही हो तो कहो भाई ये सब का है इतना गांजा हुआ है यहाँ पर रुको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो चुका है ये सब भाई वहाँ रख दो तो पकड़ो चलो देखो अब समझो इसको मिटाता हूँ अच्छा एक बात और बताइए 9 इंटू फाइव अपान सेवन एक्स इंटू सेवन इसमें कितने पद हैं ये चीज़ आज आपको समझ लेना है अगर आपको बीजगणित पढ़ना है तो अगर आपको बेसिक अलजेब्रा सीखना है तो ये चीज़ आपको समझ लेना होगा जो मैं आज आप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कितने पद हैं इनको आज सीख लेना है अच्छे से सीख लेना है, कभी भूलने ना पाइए अगर भूलने लगेगा ना तो हमारे गाँव के वो बीस लोग वाले जो घर वाले हैं ना उनको याद कर लेना उनका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन प्राइवेट रहना जरूरी हो सकता देख रहे हो कल को गांजने लगे हमें जाते मन तो क्या होगा देखो क्वेश्चन क्या था नाइन इंटू फाइव अपान सेवन यक्स और इंटू सेवन इसको बताओ कितने पद हैं जरा सोचो ये बहुत ही आसान है लेकिन जो नहीं बता पाएगा ना महा खच्चर है वो जान लो अब देखो आप लोग इसमें से आते हो खच्चर वाले से कि नहीं मैं कमेंट आके पीछे ही देख लेता हूँ क्या हालचाल है चलो जल्दी जल्दी बता दो भाई भूपेंद्र सिंह देवी अनुभव रिजिकांत मिश्रा प्रीतम यादव बहुत अच्छे बच्चे वेरी गुड प्रीतम भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं एकदम सबसे अच्छे हैं निक्को वाले ये क्योंकि ये सबसे पहले जवाब देते हैं और एक रवि शंकर है पता नहीं कहाँ चला गया अगवा तो कमेंट ही नहीं कर रहा है रईस ठीक है बहुत अच्छे बच्चे वेरी गुड आकांक्षा ठीक है देखिए इसमें एक ही पद है क्या है एक ही पद है समझ रहे हो ना वही जो अभी मैंने कहावत बताया था आपको कि भैया अगर एक घर में सत्रह लोग हैं तो वो एक गांव नहीं कहलाता एक पद ही मतलब एक परिवार ही होता तब भी अब तो नाराज लोग देते हैं हम दो हमारे दो पहले लोग पता नहीं क्या कहते थे हम दो हमारे एक गांव है ना क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं होता था टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं तो लोग कुछ ना कुछ घर ही में करते थे और एक गाँव बन जाता था समझ गए ना आप लोग देखो इधर ये सेवन से सेवन कट जाएगा और ये नौ पचे पैंतालीस फाइनल में कितना आएगा आपको पता है फोर्टी फाइव एक्स लेकिन जरा सोचिए अगर इसमें चिन्ह थोड़ा सा अलग होता तो क्या होता इसमें चिन्ह अगर थोड़ा सा अलग होता देखो यहां पे गुड़ा का चिन्ह लगा इस वजह से ये कट गया बच्चा अगर यहां पे प्लस या माइनस होता तो ये कटता नहीं ठीक है अगर ये प्लस या माइनस होता तो ये कटता नहीं फिर क्या करता ये फिर जरा सोचो क्या करता फिर तुम लोग काफ़ी समझदार हो मैं थोड़ा बोलता हूँ पूरा समझ जाते हो लेकिन मैथ में नहीं समझते हो नहीं मैथ में अगर समझ जाओ तो फिर देखो ही क्यों ना हाँ बाकी और चीजें समझ जाते हो मैंने इतना बता दिया कि टेक्नोलॉजी नहीं थी लोग कुछ ना कुछ करते थे तुम लोग जान गए क्या करते थे ये आ गया देखो अगर इसमें हम थोड़ा सा चिन्ह बदल दें तो क्या होगा थोड़ा सा चिन्ह में चेंजिंग कर दें जैसे देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो अब बच्चा के साथ बच्ची भी देखेंगी देखो ये ये है ना अब इसमें कितने पद हैं जरा सोच के बताओ रविशंकर है अच्छा रविशंकर जी हमें नहीं पता था कि तुम हो नहीं तो मैं ना बोलता ऐसे चलो कितने पद हैं इसमें दो पद हैं देखो एक से दो हो गए ना एक से दो हो गए ना कभी कभी ऐसा होता है ना एक ही परिवार में दो परिवार बन जाते हैं आपको पता है ना आज के जमाने में जब बेटा बड़ा हो जाता है और वो बाहर वाली बहू आ जाती है तो उस बेटे को फिर वो मां बाप पसंद नहीं आते हैं पता है ना आप लोगों को देखा होगा फैमिली में होता है ऐसा लेकिन आप लोग ऐसा मत करना कोशिश करना कि पसंद है इसमें देखो नव पची कितना हो जाएगा ये पैतालीस यक्स अपान सेवन प्लस ये सेवन एक्चुअली अभी हमारे यहाँ भी वो बहू नहीं आई ना बाहर वाली इसलिए बोल रहे हैं हो सकता आ जाए तो हमें भी ना आए लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पसंद आने चाहिए समझ रहे हो ना क्योंकि वो माँ बाप जो आपको इतना बड़ा किए सब कुछ मतलब किए आपके लिए इस दुनिया में वही सबसे अच्छे हैं आपके लिए बाकी वो बाहर के आने वाले तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं बाहर वाले इसमें जिनको आने की बात हो रही वो भी लोग हैं सीधा सीधा देने लगेंगे गाली मनी मन कि भगवान करे कौन ना आए इसके घर चलो देखो ये हो गया लिख लिए ना देखो इसमें एक और भी चीज हो सकता है एक और भी चीज हो सकता है पद सब वही रहेंगे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा देखो यहाँ पे जैसे अगर हम थोड़ा सा अलग बता दें नाइन माइनस फाइव अपान सेवन यक्स और प्लस सेवन अब बताओ इसमें कितने पद हैं इसमें कितने पद हैं बताइए जल्दी करिए कितने पद हैं इसमें भाई सर की स्पेलिंग एस आई आर होती है यस आई आर जवाब दीजिए कितने देखो इसमें तीन पद हो गए कितने हो गए तीन हो गए मतलब वो बहु बेटे की बात जो कर रहे थे वो तो थे ही एक नया प्रोडक्ट भी आ गया समझ रहे हो ना कौन आ गया तो से कितने हो गए तीन अभी कितने पद हो गए तीन चूंकि इनके बीच का चिन्ह बदल गया समझ रहे हो ना तो कितने पद है ये कुल मिला के अब तीन पद है अंतर समझ गए कि नहीं आप लोग पद कब होंगे भाई का है कि तुम लोग मेरे शादी के पीछे पड़े हो हा? अगर हम शादी वादी कर लेंगे तो फिर ये सब कितना हो रहा है ये सब नहीं हो पाएगा फिर आपको पता है ना सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है फिर तो उस कंट्रोल में हम नहीं आना चाहते हमारी कोशिश तो यही है फिलहाल अभी तक बाकी आगे जानने भगवान क्या होगा चलो देखो यहां पर इतना समझ में आया इसको लिख लो आप लोग ये हो गया देखो एक नालायक टाइप का इधर आया अभी मैं इसको कैमरा बैक करके दिखा दूंगा <laughs> लिख लिए देखो ये कितना हो गया तीन पद हो गया अब इसको मैं मिटा देता हूं देखो तुम लोग को काफी मजा आ रही है थोड़ा पढ़ाने भी तो भाई अभी बताऊंगा बीच बीच में जाना नहीं हाँ तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे कितने पद हैं ये आप लोग सीख गए ना बोलो जल्दी सभी बच्चे ये बोलो सीख गए सीख गए ना सभी अगर सीख गए तो इस सेशन को लाइक कर दें जल्दी से ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी इतनी है कि जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे उधर ईयरफोन लगा के वो भी उठ के गए बात बात बंद करके चलो पढ़ते हैं थोड़ा देर अभी इनकी शक्ल भी मैं आपको दिखा दूंगा बस पूरा टाइम देखते रहना पीछे ही है कैमरे के कैमरे के आगे तो मैं अकेला दिख रहा हूँ कैमरे के पीछे पूरी दुनिया खड़ी है अभी दिखाऊंगा चलो अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर दस डाल दो मान लो अठारह बटे छ इसमें बताना कितने पद हैं और जो सबसे पहले बताएगा उसे सरप्राइज मिलेगा एक अच्छा वाला चलो हाँ ठेंगा भी मिल जाएगा तुमको टेंशन मत लो चलो बताओ जल्दी से कितना है इसमें कितने पद हैं जल्दी करो इसमें कितने पद हैं देखो यहाँ पढ़ाई भी हो रही है कुछ लोग नए नए आते हैं भाग जाते हैं भाई बहुत बात करता ये अब बात नहीं करेंगे तुम समझोगे कैसे जल्दी बताओ सबसे पहले इसमें कौन बताया है मैं नाम देखना चाहता हूँ इसमें अंकित शर्मा हमें लगता है सबसे पहले बताएं उसके बाद मंजेश गौतम विशाल चौहान शिवम कुर्मी देविल अनुभव और सॉरी अभिनव मोनू कुमार राहुल श्रीवास्तव शुभम यादव अरे भाई एक ही बार करो का डंडा कर देते हो यार कुछ तो बोलब नहीं करते शर्माते हैं और कुछ तो सोचते हैं बस हमारे नाम बोलते रहें जपते रहें एक ही बार करो ना हाँ सबसे पहले विकास शुक्ला ने बताया ये हमारे सामने ही खड़े हैं मुंह बना के लेकिन गलत बताए ये ये बिल्कुल गलत बताया अच्छी तरह से देखो इधर साइड समझो ये कट जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा तीन और प्लस ये इसमें मल्टीपल हो जाएगा ये का स्क्वायर और प्लस ये वाई अब इसमें दाल नहीं गलने वाली है ये इसके आगे कुछ नहीं होगा तो कितने पद हो गए कितने हो गए तीन पद हो गए आया समझ में कैसे हो गए अभी अभी मैंने बताया था कि अगर दो पद के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है मतलब कोई भी दो टर्म दिए गए हैं तो वो दो पद गिने जाते हैं जैसे अगर तीन और यहाँ बीच में प्लस है का स्क्वायर है तो ये दो पद हो गया फिर यहाँ पे प्लस है या माइनस है तो ये वाई है तो तीन पद हो गया लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा अंतर हो जाता ये तीन गुड़ा एकक्वायर गुड़ा वाई होता तो ये सब एक ही पद होता आया समझ में कितना होता एक ही पद होता मैं मार्कर में थोड़ा सा स्याही भर लेता हूँ आप लोग बने रहना हमारे साथ ठीक है समझ रहे हो ना बच्चा चलो अब देखो आगे की कहानी क्या है अगर वीडियो क्लियर नहीं आएगा तो बता देना बिल्कुल टेंशन मत लेना ठीक है क्योंकि आज नया नया सिस्टम लगा भाई वो थोड़ा सा मैं क्वालिटी के आधार पर आपको लोगों को बता देता हूँ आज आपका एक नया फ़ोन आया है सैमसंग एम थर्टी वन एस जो भी छात्र अगर ज़्यादा शौकीन है वो ले सकते हैं फिलहाल मैंने तो बिजनेस के पर्पज़ से लिया है जिसका प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और मिल रहा है इस समय ऑनलाइन में लगभग ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लगभग में मिल रहा है और कितना बताया मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है तो मार्कर में थोड़ा सा आही भर लू भर लूँ कि नहीं कैसा आप लोगों का विचार क्या है क्वेश्चन लिख दूं तब तब तक आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाते रहो थ्री अपॉइन टेन इन टू हंड्रेड आप लोग क्लास को शेयर करिए केवल हंड्रेड बच्चे देख रहे हैं अभी भाई तुम लोग करके आ रहे हो यार हाँ बताओ ये सौ दो सौ लोग के लिए हम इतना डांस करेंगे ये सब करेंगे कम से कम शेयर कर दो एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्लस अठारह एक का स्क्वायर वाई अट्ठारह यक्स का स्क्वायर वाई।, वाई इसके आगे मुझे मिटाना पड़ेगा चूंकि जगह कम लग रही है आ, नीचे लिख दूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि देखे नहीं हो देखो बहुत ही ईमानदारी से देखना ध्यान से पूरा समझ में आएगा ये हमारी जिम्मेदारी होगी बस तुम समझने की कोशिश करते रहना और जाना नहीं ठीक है कोशिश करते रहना देखो इसके आगे क्या है इसमें इसके आगे क्या है प्लस तीन है ना तो बच्चा इसमें कितने पद हैं बताओ इसमें कितने पद हैं ये बताओ तब तक मैं आ, कुछ और भी काम कर लेता हूँ बटोर के कहा रखा है कूड़ा कचरा इतना है दिख रहा है ना मार्कर में स्याही भर लूँ हाँ भाई एक घड़ी में आज पहना हूँ कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत ये हमारे एक दोस्त की घड़ी है जिसकी अभी शादी हुई हाल में तो मैंने कहा भाई वीवी तो तुम ले लिए कम से कम हमें भी कुछ दे दो <laughs> तो मैंने उसकी घड़ी ले लिया और वो दे भी दिया मतलब अपने से नहीं लिया समझ रहे हो ना और दोनों लोग के समझौता से लिया हूँ उनकी बीबी भी बोली यहाँ दे दो और वो भी बोला अच्छा ठीक है ले लो तो मैं कम से कम इतने में ही संतोष कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चलो देखो आगे हाँ संतोषम परम सुखम देखो मार्कर में थोड़ा सा स्याही भर लेता हूँ जिससे कि अच्छा चले आप लोग देखो समझो इधर साइड में देखो बहुत से बच्चे उत्तर बता रहे हैं ठीक है सब सो गए हैं चलो ठीक है अच्छी बात है जब सब सो गए हैं तभी तो पढ़ने में मजा आता है नहीं तो तुम लोग कहाँ पढ़ते ही इसमें कुछ लोग बता रहे हैं तीन पद हैं कोई बता रहा दो पद भी क्या हाँ ठीक है अरबिक नॉलेज रोशन प्रीतम डबल मीनिंग हाँ डबल मीनिंग तो तुम बहुत समझते हो मैथ नहीं समझते हो बस देखो ये बच्चा कट जाएंगे दस धाम में मौ और ये बन जाएगा तीस और ये अट्ठारह यक्स का स्क्वायर वाई ऐसे ही रहेगा प्लस तीन जो लोग तीन तीन पद बता रहे थे अभी तक ढिंडोरा पिट रहे थे उनका गलत है इसमें दो पद है ये जुड़ जाएगा बच्चा तो ये तैंतीस प्लस अठारह यक्स का स्क्वायर वाई हो जाएगा देखो तुम लोग यही मार खा जाते हो गड़बड़ा जाते हो ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम कॉन्फिडेंस निकल रहा था चारों तरफ से लेकिन फिर भी गलत ना कितने पद है इसमें दो पद हैं जितने लोग तीन बताए थे सब का गलत है इस समय 111 से अधिक बच्चे देख रहे हैं सभी जल्दी से सेशन को लाइक करें भाई आपकी जिम्मेदारी है जल्दी करें देर ना करें नहीं मजा नहीं आ रही है ऐसे फिर ऐसे कलाफ नहीं चलने वाली अभी हंड्रेड लाइक भी नहीं हुए हाँ क्या चाहते हो तुम लोग जान दे दू मैं ही हा? चलो जल्दी करो फटाफट देखो आ, मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं यहां पे थ्री अपॉइंट था इन टू था और प्लस एटीन का स्क्वायर वाई था प्लस तीन था कल मैंने पढ़ाया था चर और अचर क्या होता है वट इज वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट ये तो बोलते हैं इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ा कम आती है टेना मेड़ा बोलते हैं लेकिन कोशिश करता हूं कि हाँ आने लगे देखो तो ये टेन से इसको मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया टेन आ गया टेन का थ्री में मल्टीपल किया थर्टी हो गया और ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही लगा दिया बिना किसी छेड़छाड़ के जैसे था वैसे ही सुंदर सा लिख दिया और इसको मैंने ऐसे यहाँ पे उतार दिया इसको उतार दिया अब बच्चा देखो ये दोनों एक ही स्वभाव के हैं इन दोनों में क्या हो गया मेल सम्मेल हो गया ये दोनों मिलके एक बन गए समझ रहे हो ना एक बन गए तो क्या आ गया एक नया पद आ गया आपको पता है जब दो एक होते हैं तो तीसरा आ जाता है ना अब देखो कहाँ से ये देखो तीस और तीन कितना हो गया तैतीस हो गया तैतीस प्लस कितना हो गया अठारह वाई ठीक है लिख लो जल्दी से छाप लो सभी को समझ में आ गया तो बोल दो यस आ गया समझ में ठीक है लिख लो जल्दी से छाप लो सभी को समझ में आ गया तो बोल दो यस आ गया समझ में बगल में कुछ कुत्ते भी पड़ रहे हैं हम सोचे उनकी आवाज भी आ रही तुम लोग तक इसलिए मैंने चलाया देखो सुनाई पड़ रहा है ना कभी कभी आ जाते हैं वो लोग भी जगाने नहीं जागते रहो भाई जागते रहो बहुत ब्लर दिख रहा है का यार हैं सही दिख रहा है इसी फोन में गड़बड़ दिख रहा है का आज इसमें का हुआ है हमें लग रहा है ये सपोर्ट नहीं कर रहा आज लैपटॉप ऑन करो उसको ऑन करो देखे उसमें आप लोग ये बताओ सही दिख रहा है सही दिख रहा है कि नहीं अरे भाई इसलिए बोला बगल में बहुत कुत्ते भूख रहे हैं इस वजह से ठीक ना प्रीतम अच्छा ये मुझे लग रहा है जूम कर रहा है क्या ये जूम कर रहा है कैमरा ना काफी ज्यादा जूम कर रहा है अभी ये बीच बीच में कुछ देर ऐसा होता है ना ब्लर होता है सही चल रहा है कि नहीं कभी कभी नहीं दिखता है ठीक है मैं वो भी मुसीबत दूर कर देता हूं ऐसे ये जितना अच्छा कैमरा है ना उतना ज्यादा गड़बड़ करता है रुको एक मिनट मैं इसको इधर साइड में कर दूं क्या चेंज कर दूं कैमरा चेंज कर दूं उधर साइड में रुक जाओ भाई पर्दा वर्दा बंद कर देना ना तो नहीं तुम लोग कुछ दूसरा देख लोगे चलो देखो ठीक है मैं उधर साइड में कर देता हूँ फर्स्ट कैमरा से आगे वाले कैमरा से कर देता हूँ ठीक है ये लो इधर साइड में घुमा देता हूँ क्योंकि कभी कभी ये जूम कर रहा है मुझे भी लग रहा था गड़बड़ हो रहा था तो ये लो हो गया बोर्ड पे आ गया अपने हाँ अब सही दिख रहा है ना अब बताना कैसा है ठीक है इससे जूम नहीं होने वाला है अब बढ़िया दिख रहा है कि उल्टा पुल्टा दिख रहा, रहा है भाई अब बढ़िया दिख रहा है कि उल्टा पुल्टा दिख रहा है अब ठीक हो गया ना कोई दिक्कत नहीं मुझे कमेंट भी दिखेगा वहां पे अपनी शक्ल भी दिखेगी और अच्छा लगेगा चलो अब ठीक हो गया ना कोई दिक्कत नहीं मुझे कमेंट अब ठीक है जूम नहीं करेगा इसकी इतनी औकात नहीं कि जूम करेगा फ्रंट कैमरा कभी जूम नहीं करता पीछे वाला इतना बड़ा हो जाता है चलो ठीक है चलिए अब देखो हम पढ़ क्या रहे थे उस पर चलते हैं देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा था इसको साफ साफ फिर से लिख दूं इसकी शकल देख लो एक बार क्या था ये था थ्री अपॉन टेन इन टू हंड्रेड और प्लस एटीन यवायर वाई और प्लस तीन इसमें मैंने आपसे पूछा था कितने पद हैं कुछ बच्चों ने बताया था तीन पद है कुछ बच्चों ने बताया था दो पद है और कुछ बच्चों ने और भी बहुत कुछ बताया था तो बच्चा इसमें कुल मिला के दो पद हैं, चूंकि ये ये भैया बाद में क्या होते हैं मिल करके दोनों एक बन जाते हैं इस तरह से एक पद घट जाता है फिर एक ही पद बचता है अब समझ गए ना चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था ऊपर ज्यादा जा रहा था देखो अब यहां पे समझो ये सभी को समझ में आ गया सभी को आ गया समझ में अगले सवाल पे चलते हैं देखो हमारी ये भरपूर कोशिश है कि आपको एकदम क्लियर हो जाए इसके बाद फिर तुमको कहीं भी अगर इससे संबंधित है एकेडमिक में है कभी भूलना नहीं चाहिए देखो एक और भी इधर है लिख लो एक क्वेश्चन और है नंबर तो मैं नहीं डालूंगा लिख लो हंड्रेड यम प्लस थ्री यम प्लस यम इसमें कितने पद हैं और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लिख लो ये बारह नंबर है बच्चा और ये क्वेश्चन नंबर पंद्रह है हंड्रेड यम इंटू थ्री यम का स्क्वायर इंटू यम का स्क्वायर इतने में कितने पद है बताओ पंद्रह वाले में कितने पद है जल्दी से बताइए इसमें कितने पद हैं भाई बिक्की कुमार जी पूछने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारा थैंक यू लेकिन अभी नहीं खाया क्योंकि आपको पता है खाने के बाद दिमाग कम काम करता है और भूख लगी होती ना दिमाग तेज काम करता है तो इस वजह से हमने सोचा कि जब तक तेज काम कर रहा है तब तक आपको पढ़ा देता हूं फिर समझ गए ना चलो हाँ तो ठीक है अनकेत शर्मा बहुत अच्छे नीरज आ, रावल इनखिया प्रीतम देव सिंह सुमन कुमारी रितु चौहान मोहन राहुल बहुत अच्छे बच्चे वेरी गुड देखो समझो इधर साइड में देखो भैया इसमें तीन पद हैं इसमें तीन पद हैं ठीक है इसमें लेकिन एक ही पद है इसमें कितने पद हैं एक ही पद है अब कुछ लोग कहेंगे इसमें भी तो वही सब थे इसमें भी वही सब थे हाँ थे तो लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है वो तुम नहीं देखे इसमें प्लस था इसमें भी प्लस था लेकिन यहां गुड़ा गुड़ा था, था ना समझ रहे हो ना तो इस वजह से ऐसा नहीं दिखा आपको वो वीडियो प्ले करिए खुल गया ना इसमें अपने फोन से कनेक्ट कर लीजिए बोल रहे थे और इससे उसको कनेक्ट कर दीजिएगा या फिर लैपटॉप अपने से से कर दीजिए सब एक ही से मत करिए नहीं तो ये वाईफाई धीमा हो जाएगा चार पांच छह सात पकड़ा दोगे तो आया समझ में ना चलो इसमें कितने पद हैं इसमें एक ही पद है क्यों है देखो वो भी देख लेता हूं इनका गुड़ा करोगे बच्चा तो ये तीन सौ हो जाएंगे यम का यहां पे एक घात यहाँ पे दो तीन हो गया और ये दो पांच घात ये थ्री हंड्रेड एम की पावर फाइव हो जाएगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा ये जुड़ेगा भी नहीं ये जुड़ेगा तब भी वही आएगा उतना ही आएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा नो चेंजिंग आया समझ में लिख लीजिए इसको भी छाप लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो निसंकोच बता देना बच्चा लेकिन हाँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ देखना कितने पद हैं पदों की संख्या पहचानना उम्मीद करते हैं कि आप सीख जाएंगे आज के बाद फिर आप अलजेब्रा में कहीं भी नहीं फंसेंगे अगर कहीं इस तरह का आता है कि कुल कितने पद हैं आरती सिंह आपसे निवेदन है कि आप पढ़ाई कर लीजिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए जिनको पढ़ना है वही पढ़ेंगे आपको पता है कि अगर सौ वैकेंसी आती है तो फार्म डालते हैं पाँच लाख लोग पाँच लाख लोग फार्म डालते हैं उसमें से इस तरह के भी कुछ खच्चर होते हैं जो सिर्फ फार्म ही डालते हैं उनको सिलेबस नहीं पता क्या आएगा क्या पढ़ना है बस बाबू कहे हैं डाल दिए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उनके बाबू फार्म डाल देते हैं उनको बेटा को पता ही नहीं कि पापा फार्म भी डाल दिए हैं हाँ और फिर क्या कहते हैं मोदी रोजगार दो मोदी रोजगार दो मोदी तुमको नाली भी तो नहीं साफ करा सकते क्या कर रहे हैं वो बताओ कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो मोदी भक्त निकला भाई मैं मोदी को वोट नहीं देता हूँ अब तुम फिर कहोगे ये तो बड़ा कन्फ्यूज कर रहा है वोट भी नहीं देता फिर ऐसा कहे बोल रहा है क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ समझ रहे हो ना देखो इधर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर को नोट कर लें ठीक है इस नंबर को नोट कर लें और इस नंबर पर क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीन शाट ले कर व्हाट्सअप भेज दें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप पे भेज दें और उनको सारी फ्री की क्लासें मिलेंगी और वो घर बैठे सीख पाएंगे लेकिन इस तरह की पूरी क्लास सीखने में इस प्रक्रिया में आपको आठ से बारह महीने टाइम लगेंगे कितना लगेगा बच्चा आठ से बारह महीने लगेगा अगर कहोगे कि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बेसिक मैथ सीखें तो आप फ्री वाली क्लास मत देखो ना थोड़ा सा मैनेज करो एडजस्ट करो हम आपको प्रीमियम क्लास देते हैं एक ही साथ में पूरा कोर्स दे देंगे जी भर के देखो चाहे जितना देखो तुम चौबीस घंटे देखते रहो हाँ आप भी पढ़ो अपनी वाली को भी पढ़ाओ अपने वाले को भी पढ़ाओ सबको पढ़ाओ चाहे जितना पढ़ो उसके लिए क्या करना है इस नंबर पर ज्वाइन पेड लिख कर भेजना है क्या करना है ज्वाइन पेड लिख करके भेजना है जिसमें आपको दो तरह के कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे एक का प्राइस फाइव फोर्टी नाइन है दूसरे का है सिक्स नाइन नाइन ठीक है दोनों कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर सुबह दस से शाम छह बजे के बीच में फोन कॉल करिए आपको पूरी जानकारी बता दिया जाएगा सब कुछ बता दिया जाएगा ठीक है बेसिक से आठ तक फाइव फोर्टी नाइन और बेसिक से टेन तक मतलब जीरो से टेन तक सिक्स नाइन नाइन वन ईयर की वैलिडिटी मिलेगी इस समय एक साल की आपके वैलेंटाइन डे के पहले से ही मिल रही है और वैलेंटाइन डे तक इसका लास्ट ऑफर का वो था जो लिमिट थी लेकिन अब अट्ठाईस फरवरी तक कर दिया गया क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो परेशान हैं उनको देखते हुए नहीं तो रेगुलर ये तीन महीने के लिए होता है कितने दिन के लिए तीन महीने के लिए जिनको लग रहा है बड़ा कमा रहा है बहुत लूट रहा है पैसा इकट्ठा कर रहा है वो फ्री वाला देखें ये हम फ्री में भी पढ़ाते हैं ठीक है दोनों क्लासें आप पढ़ते रहो मिलते हैं फिर कल बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से शुक्रिया इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और सेशन को लाइक जरूर करिए पढ़ते रहिए हमारी कोशिश होगी कि बड़ी से बड़ी क्लास चलेगी लेकिन बच्चों की संख्या सौ दो सौ जब नहीं हो पाती है तो मजा नहीं आता है ठीक है वैसे आज का टाइम हो चुका है काफी टाइम हो गया आप लोग इसको रिपाइ मतलब रिवाइज कर लीजिए ध्यान रहे क्लास जब लाइव चले तभी आके जुड़ो हां चलते चलते एक बात और बता दें भैया सुबह सात बजे फिर से लाइव होगी ये क्लास लाइव के बाद में नहीं देख पाओगे कुछ क्लासें आपको दिखा रहा हूं डेमो के रूप में कि आप हाँ समझ लो बाकी लाइव में आओ पढ़ो लाइव के बाद वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं रहेंगे ठीक है लाइव के बाद वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं रहेंगे कुछ वीडियो हैं लोग सोच रहे होंगे झूठी रोज बोलता है वीडियो तो मैं बाद में भी देख लेता हूं डाउनलोड भी कर लेता हूं फालतू बड़बड़ाता है क्लास में तो कुछ वीडियो मिल रहे हैं ना दो चार छह वीडियो ऐसे देखोगे उसके बाद कि फिर नहीं रहेंगे इसलिए टाइम पे आओ पूरा पढ़ो लाइव रात के नौ से दस सुबह सात से आठ ठीक है रात के नौ से दस सुबह सात से आठ के बीच में आइए और पढ़िए अगर इस टाइम पे आप नहीं आ सकते हैं तो फिर आप नहीं पढ़ सकते इस सेशन को बाद में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ठीक है और हाँ जो यूट्यूब पे उपलब्ध है उनको आप लोग डाउनलोड कतई ना करें अगर डाउनलोड करते हैं तो फिर अगले वीडियो आपको नहीं मिलेंगे ये आपसे निवेदन है ऑनलाइन देखें डाउनलोड ना करें ऑनलाइन देखेंगे तो सारी फ्री वाली वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे ढाई हजार वीडियो यूट्यूब पे हैं कितने ढाई हजार वीडियो हैं